रानी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके ना देखें। अगर आपका नया नया चैनल है तो आप हो सकता है मेरी इन बातों से थोड़ी सी मोटिवेट हो सकते हो, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। आज आप मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि मेरा जो खुशी है उसका कोई लेवल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और जो लोग यूट्यूब पे होंगे, जिनका चैनल है, उनको पता है कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जो चीज़ आज मुझे मिली है, वो मिलने के बाद उस खुशी का कोई एंड नहीं है, कोई दायरा नहीं है, इतनी खुशी हो जाती है। और जिन लोगों को पता नहीं है, वो लोग कह रहे होंगे इसमें क्या है, एक बोलने वाली बात है। जब मेरा भी चैनल नहीं था, मैं भी लोगों के ब्लॉग देखती थी, वीडियो देखती थी, तो ये वीडियो देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था इसमें खुशी वाली क्या बात है, क्या चीज़ है ये। तो जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो हमें उस खुशी का अंदाज़ा भी नहीं पता चलता है। और जब जिस चीज़ का हम 2-3 महीने से इंतज़ार कर रहे हो और हमें उम्मीद ही ना हो कि हमें ये चीज़ मिल सकती है, और वो मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ अपने गूगल एडसेंस पिन की, जो कि आ चुका है। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम है। पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, क्योंकि कैमरे में ये दिख नहीं रहा होगा आपको। इस पे लिखा हुआ है नीता देवी। और क्योंकि मेरा जो वोटर आईडी है वो ससुराल से है, तो अब मैं देवी हो चुकी हूँ, तो ससुराल का है तो उसमें नीता देवी है। नीता नाम तो नीता ही है, तो ये नाम है मेरा वहाँ का। और जैसे जिनका चैनल होगा उनको पता है कि गूगल एडसेंस को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना जो वोटर आईडी है वो देनी पड़ती है, या फिर पैन कार्ड, जो भी है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। और उसमें जो नाम होगा उसी नाम पे आपका ये एडसेंस पिन आता है। सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरा पिन आएगा। वो इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर ना ऑनलाइन का सामान भी नहीं आ रहा है। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहते थे कि क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जो YouTube है वो अमेरिका का है और सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, तो इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये तो कह रहे थे हो ही नहीं सकता है कि लॉकडाउन चल रहा है और अमेरिका से तुम्हारा पिन यहाँ भेजा जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है। और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, होपलेस हो गई थी। मैंने कहा अब तो बीमारी ऐसी चलती रहेगी जिसका कोई एंड नहीं है, और मेरा चैनल है ना, चैनल तो मनो हो गया है और ये सब कुछ हो गया, सिर्फ ये चीज़ था कि पिन आ जाए बस। और मुझे लग ही रहा था कि मुश्किल ही आएगा, और हम तो पहाड़ों में रहते हैं तो ऐसा लग रहा था पहाड़ों में तो मुश्किल ही आ पाएगा। लेकिन सच कह रही हूँ मैं, कल जब ये लेके आए, कल शाम को आ गया था ये, और जब ये लेके आए ना, मेरी खुशी मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हो गई थी। आपको पता है ये आने के लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या होता है? और ये देखो, ये है, ये रहता है तुम्हारा 6 डिजिट का ये नंबर रहता है ये, और इसको आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने गूगल एडसेंस पे। जिसके बाद क्या होता है वो मैं सब बताती हूँ आपको। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे गूगल एडसेंस पे $10 हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं, मंगवाते हैं, और फिर ये आता है। फिर हमको इसके जो 6 नंबर हैं, वो डिजिट जो हैं, उनको गूगल एडसेंस पे अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हमारे $100 जब हो जाते हैं, तब गूगल एडसेंस हमें हमारे जो पैसे होते हैं ना, डॉलर से कन्वर्ट करके पैसों में, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। गूगल एडसेंस पे डॉलर में होते हैं और उसके बाद हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसों में हो जाता है, ठीक है। तो इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर हमारे अकाउंट में, सॉरी, हमारे गूगल एडसेंस पे 10,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 कितने भी डॉलर हो गए, जब तक हमारा ये पिन नहीं आया, और मेरा बेबी सो रखना है यहाँ पे, तो वो उठने की वो कर रहा है जब मेरी आवाज़ सुन रहा, इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रही हूँ। तो जब तक ये नहीं आया, तो आपके वो गूगल एडसेंस से वो पैसे आपके अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और फाइनली ये आ गया है। इसको मैंने, पता, 2 महीने पहले से अप्लाई किया हुआ था। सो हैप्पी मैंने इसको अप्लाई किया था। ये चल रहा है जुलाई, और
मई, हाँ मई 6 या 7 तारीख को मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। और मई का जब 1 महीने चले गया, जून 6-7 तारीख मैंने दोबारा से अप्लाई किया, फिर जाके जुलाई में ये अभी मेरा ये एडसेंस पिन आ गया है। और मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही मुझे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में, मेरे फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने पूछा कि आपकी जो गूगल जो यूट्यूब से जो पेमेंट है वो आ गई है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ। और जो लोग चैनल शुरू करना चाहते हैं मैं उनको बता देती हूँ कि देखो यार, इतना इजीली कुछ चीज़ मिलने वाली नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो डालो और पैसे कमाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लंबी प्रोसेस है इसमें, बहुत लंबी, और साथ ही साथ मेहनत चाहिए चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक टारगेट दिया रहता है YouTube ने कि आपको 400,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है और 1,000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आपका चैनल रिव्यू में जाता है और वहाँ से मोनोटाइज होके आता है। रिव्यू में जाने का मतलब है कि उस जब रिव्यू में जाता है वापस आता है, तो उसके बाद आपके चैनल पे आपके वीडियोज़ में ऐड आने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले जब आप ये टारगेट पूरा नहीं करते हैं, 400,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर आपके जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपके चैनल पे कोई भी ऐड नहीं आएगा, और ऐड नहीं आएगा तो आपके पास कोई भी डॉलर नहीं बनेगा, ठीक है। जब चैनल मोनेटाइज होके आता है, फिर आपके चैनल पे ऐड आने शुरू हो जाते हैं, और ऐड आने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में डॉलर बनने शुरू होते हैं। फिर जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होता है, फिर आपको पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और उससे पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट क्या वेरीफाई करना पड़ता है, अपने वोटर आईडी से, पैन कार्ड से, ड्राइवर लाइसेंस से, जो भी है उन चीज़ों से जो आपके पास है उससे आपको वेरीफाई करना पड़ता है। फिर आपके एड्रेस पे ये पिन भेजते हैं गूगल एडसेंस वाले, फिर आपको इसको डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ता है। और जब आपके गूगल एडसेंस पे $100 हो जाते हैं, तब जाके आपकी पहली पेमेंट आती है, ठीक है। और मेरा बेबी सोया है ना, तो मैं जब बोल रही हूँ उठ रहा है, और उसको पता छोटी छोटी आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई देती है, तो इसलिए मैंने ये माइक लगाया है। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज़ आप हेडफोन लगा के सुन लीजिए, और तब जाके आपकी पेमेंट बनती है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना किसी चीज़ को देख के होपलेस नहीं होना है यार, सच में। यहाँ पे पता मेहनत सभी लोग करते हैं, मैंने देखा है मेरे साथ के बहुत सारे लोगों का चैनल इतना ग्रो कर गया है कि उनकी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, बहुत पहले आ चुकी है। और ये 2020 लग रहा है जुलाई का, तो जुलाई 9 तारीख 2020 को मेरे चैनल को 1 साल हो चुका है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनका चैनल अभी तक मोनो नहीं हुआ है, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं है यार कि मेहनत वो मेहनत नहीं करे, हम मेहनत करें, या जो हमसे आगे निकल गए वो मेहनत करें, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ मेहनत सब कर रहे हैं और सबकी मेहनत अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे भाई लक बहुत ज़्यादा काम करता है, मेरा मानना ऐसा है। आपका मानना क्या है आप बताइए कमेंट करके, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे लक बहुत ज़्यादा, जिसका लक अच्छा है उसका चैनल चल पड़ता है। और ये भी बहुत ज़्यादा अफवाह मैंने सुनी है कि अगर आपका एक वीडियो वायरल हो गया तो आपका चैनल दौड़ता है। जी नहीं, मेरा 1-2-3 वीडियो मेरे वायरल हैं, लेकिन तब भी मेरा चैनल वैसा का वैसा ही है। कोई इतनी प्रोग्रेस नहीं, इतनी क्या थोड़ी भी प्रोग्रेस नहीं है, बस गिने चुने ही व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन चल पड़ेगा, मेहनत करते रहो ना, मेहनत पे तो दुनिया कायम है, दुनिया टिकी हुई है। और अपनी मेहनत लगाते रहो, करते रहो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाओ, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा करो तो अच्छा ही होगा। और मैं होपलेस नहीं होती हूँ, कभी कभार हो जाते हैं होपलेस, क्योंकि ये इंसान का नेचर ही ऐसा है ना, ये तो सबका नेचर में होता है यार, होपलेस होना, मोटिवेट होना, डिमोटिवेट होना, ये तो इंसान का नेचर है। और बट मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब हमारे गढ़वाल में आ जाएगा ये पिन, और आ चुका है मेरा पिन। क्योंकि शहरी इलाकों में ना बहुत जल्दी आ जाता है, यहाँ पे जब ऑनलाइन का सामान नहीं आ रहा तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि पिन भी आएगा।
तो फाइनली मेरा पिन आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे हाथ पे है सारी चीज़ें, अब ऐसा नहीं है कि है ना कुछ वहाँ से होना, अब मैंने मेहनत करनी है और $100 कंप्लीट करने हैं तब जाके मेरी पेमेंट आएगी। बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जिस चीज़ का तुम लंबे ही टाइम से इंतज़ार कर रहे हो वो मिल जाए तो तब तो खुशी और दुगनी हो जाती है ना। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना है कि मैंने कब अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया और एड्रेस कौन सा डालना चाहिए, जो हमारे आधार कार्ड जो हमारे वोटर आईडी में है वो आधार पे आ जाता है या नहीं, हम दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं या नहीं, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी। और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उम्मीद मत हारिए, चाहे वो चैनल आपका मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, मेहनत करते रहिए, ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल। और अगर आपका पिन नहीं आया है तो पिन भी ज़रूर आ जाएगा, बस विश्वास रखिए ऊपर वाले पे और मेहनत करते रहिए। तो आज मेरी यही खुशी थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।